हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल के एन पी एनालिसिस। सो वी विल टुडे एनालाइज द न्यूज़पेपर ऑफ 9th जनवरी 2022। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज पोल्स इन 5 स्टेट फ्रॉम फेब्रुअरी 10। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट द इलेक्शंस ऑफ 5 स्टेट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम फेब्रुअरी 10। ओके, तो आपको यहाँ पे जो याद करने की चीज़ है, जो स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, जैसे 403 सीट, पंजाब में कितनी सीट है, ठीक है, और कितने फेस में इलेक्शन हो रहे हैं। स्टेट पीसीएस के लिए भी लगभग कि मणिपुर में कितनी सीट है, मान लो आप यूके पीसीसी आ रहा है कि भैया उत्तराखंड में कितनी सीट है, तो ये चीज़ आपको याद करने की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई बैंस फिजिकल रैलीज गैदरिंग, ठीक है। ये जो ईसीआई है, तो यहाँ पे मतलब ये बात है कि ईसीआई होता क्या है, तो लेट बी डिस्कस ईसीआई। ओके, सो व्हाट इज ईसीआई? तो हम यहाँ पे ईसीआई डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ईसीआई क्या है। ईसीआई तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है इस समय? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस समय सुशील चंद्रा, मिस्टर सुशील चंद्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ईसीआई है वो कैसी बॉडी है, ईसीआई के बारे में डिस्कस करें, तो ईसीआई जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर का मतलब है एक से ज़्यादा मेंबर है उसमें, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है ना, ये है ईसीआई। अच्छा, ईसीआई में एक सीईसी यानी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर। ओके, इसका जो सेक्रेटरिएट है यानी इसका जो ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ईसीआई का, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ईसीआई को अपॉइंट कौन करता है, यानी इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। कौन अपॉइंट करते हैं उनको? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में ही नहीं आई? अच्छा, और उसके बाद अगर इनका जो फिक्स टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, हालांकि ये टेन्योर कहीं पर दिया नहीं हुआ लेकिन फिक्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट इनका टेन्योर होगा, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, लेकिन नॉर्मली जो चल रहा है वो 6 ईयर्स है, ठीक है, या फिर है 65 ईयर्स, यानी या तो 6 ईयर्स पहले हो जाओ या 65 ईयर्स पहले हो जाओ। ओके, अच्छा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात करें तो ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है? ऑटोनोमस, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दी हुई है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329, इसी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, तो आर्टिकल 324 जो है, समझ लेते हैं आर्टिकल 324 क्या है। तो आर्टिकल 324 कहता है भैया सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल बेस्टेड जो होंगे वो ईसीआई में होंगे इलेक्शन के लिए। मान लो अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज घोषणा किया, ठीक है, कि कौन सा इलेक्शन कब होगा, किस टाइम होगा, कैसे होगा, तो ये सारे सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन की कैसी रैली करनी है, कैसी नहीं करनी है, सारे किस में बेस्ट होंगे? आर्टिकल 324 में। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पूछे बाई चांस किसी पेपर में कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर डिफाइन का मतलब कहाँ दिया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। आर्टिकल नंबर 325 क्या कहता है? आर्टिकल 325 कहता है कि नो पर्सन इनएलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, कोई भी पर्सन वोटिंग के लिए इलेक्टोरल रोल में उसका नाम इस वजह से इनएलिजिबल नहीं होगा। कौन कौन से फैक्टर हैं? रिलीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं बताओ? रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, केवल ये 4, ठीक है। अब मान लो आप कहोगे बचा ही कौन सा, तो एक अगला अगला हम अलग से ले लें, तो इसमें बचाया जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सा बचा इसमें? प्लेस ऑफ बर्थ। अब मान लो प्लेस ऑफ बर्थ किसी का कहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर जगह आप बोलो कि भैया ये फंडामेंटल राइट है, तो ये नहीं है। अच्छा, वोटिंग जो है फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है? क्वेश्चन आया हुआ है सर यूपीएससी में, वोटिंग जो है लीगल राइट है हमारा। कौन सा राइट है? लीगल राइट, ठीक है, वोटिंग लीगल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 326 बोलता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो किस किस के इलेक्शन कराएगा, समझना है यहाँ पर, किस किस के इलेक्शन कराएगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, आपकी जो स्टेट असेंबलीज हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। अब आप कहोगे बचा कौन सा इलेक्शन? अब बचे इलेक्शन जैसे सर पंचायत इलेक्शन है, ठीक है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, तो इन्हें कौन कराता है? इन्हें कराते हैं स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया। इन्हें कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात आई समझ में? आर्टिकल नंबर 327 ले लो, आर्टिकल नंबर 327। आर्टिकल 327 क्या कहता है? ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर, यानी कि सारी पावर पार्लियामेंट के ही हाथ में है इनडायरेक्ट वे में। कोई भी लेजिस्लेचर के संदर्भ में कोई भी अगर ऐसे न्यू लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा?
पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 328 बोलता है स्टेट के लिए, सेम है, बस पार्लियामेंट की जगह स्टेट हो जाएगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू, अगर कोई इसे लॉ बनाना है तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। ये समझ में आया यहाँ तक आर्टिकल 328, ठीक है। लास्ट आर्टिकल 329, ठीक है। लास्ट आर्टिकल 329, अगर कोई भी मान लो इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, इलेक्टोरल रूल से संबंधित, इलेक्शन की डेट से संबंधित, इलेक्शन कैंडिडेट से संबंधित, तो उसमें कोर्ट का कोई मैटर नहीं होगा। यानी ये कोर्ट को बैन करता है, कोर्ट को बार करता है किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी भी केस के लिए, समझे। कौन बार करता है? आर्टिकल 329। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो एक रामविलास पासवान और चिराग पासवान का केस हुआ था, ठीक है। किसके ऊपर था वो चिराग पासवान का केस? इलेक्शन सिंबल के ऊपर, यानी पार्टी सिंबल के ऊपर, ठीक है। तो केस कौन, मतलब केस कहाँ पे था? वो था सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उसने डिसाइड किया था कि कौन को क्या मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट कोई भी कुछ डिसीजन अपना नहीं दे सकता है, ठीक। ये हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काम क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है, इलेक्टोरल रोल यानी जो वोटिंग लिस्ट होती है, ठीक है, कि किसका नाम आएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी कई टाइप की होती है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इलेक्शन सिंबल देता ही है, बता ही दिया। इलेक्शन सिंबल कौन देता है? ECI। कौन देता है इलेक्शन सिंबल? ECI, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर तुम्हें ध्यान हो तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है ये बताओ? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो बनाता है, ECI बनाता है। जैसे भाई आप कितना खर्च करना है, ठीक है, रैली वर्चुअल होगी कि फिजिकल रैली होगी, है ना, टाइमिंग क्या रहेगी रैली के, कितने दिन पहले रैली बंद करनी है, तो ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ आया यहाँ तक? नहीं आया। अच्छा, इसके बाद आपने जम्मू कश्मीर की अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है? जैसे मान लो आपकी कोई एक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा लोकसभा क्षेत्र है। अब मान लो यहाँ पे कोई भी नया लोकसभा क्षेत्र बनाना है, या तो एक मान लो यहाँ पे ऐसे है कि ये लोकसभा क्षेत्र बना देते हैं नया, ठीक है, या इस लोकसभा क्षेत्र की सीमा बढ़ानी, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो ये काम जो करेगा, ये करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर देखो प्रेसिडेंट मेंबर अपॉइंट करता है, यहाँ तक बात ठीक थी। फिक्स्ड टेन्योर होता है इनका 6 ईयर, 65 ईयर। अच्छा, इनका जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल वो कैसा होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल समझ लेंगे सर। इनका प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो होता है वो होता है सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है इसे, कुछ लोग ना इम्पीचमेंट बोलते हैं, ये इम्पीचमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये इम्पीचमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका प्रोसेस इम्पीचमेंट जैसा है। प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इम्पीचमेंट जैसा क्यों है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसे इम्पीचमेंट नहीं बोला गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कहीं क्वेश्चन आए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है, भैया बिल्कुल इम्पीचमेंट नहीं होता है इसका, ठीक है, इसका प्रोसेस ऑफ रिमूवल है। अच्छा, जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है वो दो केसेस पे आगे शुरू होगा। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर, या तो वो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए, ठीक है, कुछ कर दिया हो, ठीक है, और या फिर इनकैपेसिटी उसकी प्रूव हो जाए। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बीमार हो गए, दिमाग की हालत ख़राब है, इस टाइप की जो भी बातें होती हैं, है ना, वो होती है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में, ठीक। यहाँ तक बात आई समझ में नहीं आई? अच्छे, इसके बाद ये ना पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग होने चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग, ठीक है, और सपोर्टेड बाई 50% मेजोरिटी। इसे, इस मेजोरिटी को क्या बोलते हैं हम? स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं इसे? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देगा, तो फिर इसके बाद ये इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने अपने पावर से हट जाएंगे, ओके। यहाँ तक आया समझ? नहीं आया तो आज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इतना ही है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद? नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद थोड़ा सा ये देखो, रेस्पेक्ट लॉज पास्ड बाय तमिलनाडु असेंबली, CM टेल्स गवर्नर, ठीक है। अच्छे, इसमें गवर्नर इशू है कि गवर्नर क्या है, गवर्नर भी समझ लेते हैं। एक और चीज़ बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 15 में, पार्ट 15
15 में ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम समझते हैं गवर्नर, क्या समझते हैं इसके बाद हम गवर्नर। गवर्नर देखो क्या होता है, गवर्नर जो है वो है पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट साहब, उसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड टेन्योर, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, जब चाहे प्रेसिडेंट साहब चलो भैया बाहर चलो। आर्टिकल नंबर 153 से और 162 तक है ना, ये सारे गवर्नर के लिए आर्टिकल हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये होते हैं गवर्नर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। वन पर्सन, एक चीज़ ध्यान रखने का, गवर्नर जो है एक गवर्नर दो स्टेट के लिए अपॉइंट हो सकता है, एक गवर्नर दो स्टेट के लिए अपॉइंट हो सकता है ना। आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर आते हैं कि गवर्नर होंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 157-158 में कि गवर्नर होगा कौन, आखिरकार कौन बनेगा गवर्नर, तो आर्टिकल 157-158 में देख लो गवर्नर कौन बनेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अरे एक में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, एज 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा नहीं होना चाहिए, स्टेट असेंबली में भी मेंबर नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर इसे डिसमिस कौन करेगा, गवर्नर को डिसमिस कौन करेगा, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, तो डिसमिस कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, किस पे, मतलब रिकमेंडेशन बाय काउंसिल, रिकमेंडेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिकमेंडेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी इसे हटा दो, गवर्नर साहब को हटा दो, प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे चलो भैया अपने घर जाओ अब तुम बहुत दिन रह लिए, ठीक है। तो ये होता है गवर्नर का, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल नंबर, एक और चीज़ है जो इसमें न्यूज़पेपर में बोला गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को, गवर्नर को पावर होती है उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, तो गवर्नर को अपनी असेंट देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट की असेंट आती है आर्टिकल नंबर 200 में, गवर्नमेंट की असेंट आती है आर्टिकल नंबर 200 में, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब की आती है आर्टिकल नंबर 111 में, है ना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 201 में, मान लो 200 में तो गवर्नर साहब असेंट दे देंगे, लेकिन 201 में आती है बिल फॉर कंसिडरेशन, यानी गवर्नर असेंट जो है वो बोल देगा नहीं मैं नहीं देता, मेरे पास मेरा मन नहीं है, तो मैं ऐसे तो प्रेसिडेंट साहब को दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, या तो उसे असेंट दे देंगे, या अपने पास रख लेंगे, या दोबारा भेज देंगे, ठीक है। अब मान लो बिल आ गया दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोबारा पास हो गया, ठीक है, दोबारा गवर्नर को गया, अभी नहीं प्रेसिडेंट साहब को देना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, तो अब भी चाहे प्रेसिडेंट इसे असेंट दे ना दे, ये इनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, नहीं आया, अच्छा। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं लोकसभा या राज्यसभा, पार्लियामेंट का बिल जब आएगा उसमें अगर वो दोबारा पास हो गया था तो उन्हें अपनी असेंट देनी पड़ती है, अगर स्टेट असेंबली का बिल है तो असेंट नहीं देनी, मजबूरी नहीं है उनकी, ठीक है, या दे दें वो उनका काम है अपना, ठीक है। यहाँ तक समझ नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छे। तो गवर्नर के बारे में इतना ही आज के लिए, अच्छा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू US आफ्टर हिएटस, अच्छा यहाँ पे समझ लेते हैं, इंडिया जो एक्सपोर्ट मैंगो करता है, ठीक है, हिएटस मीन्स कमी, है ना, तो थोड़ा सा मैंगो के बारे में समझ लो इच्छा हो तो। मैंगो जो होता है रेड लोमी सोइल पे होता है, रेड लोमी सोइल वहीं पे चलते हैं, है ना, मैंगो जो होता है रेड लोमी सोइल पे होता है, ठीक है। कौन सी सोइल होती है इसकी, रेड लोमी सोइल, कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा मैंगो, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि अपना नॉर्थन प्लेन रीजन जो है इंडिया का, ठीक है। मैंगो यहाँ तक समझ में आया, ये एल्यूवियल कंकर सोइल पे भी हो जाएगा, एल्यूवियल या कंकर, है ना, इन मिट्टी पे भी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें लो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए, लो, है ना, वाटर में जो यानी सॉल्ट रहता है वो कम होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, नहीं आया बताओ, है ना, अच्छा। उसके बाद मैंगो के लिए जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी, दोनों रीजन में हो जाएगा मैंगो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए गुड रेनफॉल होना चाहिए, एवरेज एवरेज 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, होने को ये 25 सेंटीमीटर पर हो जाता है, लेकिन उसके लिए इरीगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिंचाई की। इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो कंडीशन है वो होनी चाहिए 26.7 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर रहना चाहिए। बोया कब जाता है, जुलाई के आसपास, यानी जून जुलाई में बहुत होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, देखते हैं क्या आता है ना, ये यहाँ तक न्यूज क्लियर हुई।
इंडिया एक्सपोर्ट मैंगो, स्मॉल कॉमिक रिलीफ, कुछ न्यूज़ नहीं है ये। कुछ तो भाई पॉवर्टी, पॉवर्टी भाई देख लेना ठीक है, हालांकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज, है ना। ये भी कुछ नहीं है, गैंगस्टर साहब, गैंगस्टर मत रखो ठीक है। कर्फ्यू कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाईएस्ट सिंगल डे रेन, कल बारिश हुई थी, तगड़ी हुई थी ना हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो ओले वोले भी पड़े हैं ठीक है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं, उनके लिए रख लेना जो पंजाब के तैयारी कर रहे हैं ठीक है। और ए विलेज ऑफ बुक अच्छा है ना, और हर एक गांव में होना चाहिए एक लाइब्रेरी, बहुत अच्छे है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आती है फिर, केरला वर्सिटी वाइस चांसलर, वही गवर्नर इशू चल रहा है इनका भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ न्यूज़ नहीं है ना। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, बहुत अच्छी बात है, कोरोना हाई आई रहा है विदाउट बीजेपी कंट्रोल के ठीक है। पार्टी वेलकम पोल शेड्यूल, एक्सिस कॉन्फिडेंस, सबकी कॉन्फिडेंस चाहिए, सब चार न्यू चैलेंज इमर्ज फॉर पार्टी, एसपी टू फाइल डिसेप्शन, प्रियंका गांधी ग्रेट एक्सेप्शन ठीक है। गवर्नमेंट ब्लॉक नेगेटिव फॉर कैंडिडेट, एक ये न्यूज़ है थोड़ी सी, इंडिया टॉप श्रीलंकास टूरिज्म लिस्ट, यानी सबसे ज़्यादा इंडिया जो है, इंडियन लोग हैं वो श्रीलंका, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इंडियन गए हैं ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ गए, रामायण ट्रेल, रामायण ट्रेल। तो इसकी ये न्यूज़ हमारे उद्देश्य से खास नहीं है, बस श्रीलंका के मेन स्क्रिप्टर के उद्देश्य से खास है, अगर लिखना चाहो तो कुछ। अगली न्यूज ये है, LCA MK 1A टू टेक फ्लाइट इन जून, है ना। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने LCA MK 1A की निर्माण किया है ठीक है। और ये जून में फ्लाइट लेगा, फिर उसके बाद एक साल लगभग ट्रायल में रहेगा, और उसके बाद ये हमारी मिलिट्री को मिल जाएगा, मिलिट्री मतलब एयरफोर्स को ठीक है। अच्छा, इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर, कुछ नहीं, कलर्स भरने चाहिए, ज़िंदगी में कलर होने चाहिए ठीक है। एक ये आयुष इम्यूनिटी किट है, आयुष इम्यूनिटी किट, अगर आपको ध्यान हो, जब कोरोना हुआ था तो एक कुमार विश्वास ने, कुमार विश्वास कवि हैं है ना, उन्होंने एक कोरोना किट बनाई थी, कोरोना किट या जो भी नाम था उसका ध्यान नहीं मुझे ठीक है, कोरोना किट थी, उसमें एक दवाई थी, सैनिटाइजर था, मास्क थे। तो इसी टाइप से बोल रहे हैं भैया आयुष किट ले आओ ठीक है, उसमें विभिन्न तरह की दवाई हो, जिस तरह से देखो ये था, इसमें च्यवनप्राश हो ठीक है, और ये हो क्या है, सासमनी बाटी, अनुटाली, आयुष का क्वाथ, जो भी है ये चीज़ें होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, हो जाएंगी, काम हो जाएगा है ना, तो ये इसी टाइप की होनी चाहिए। अच्छा, इम्पोर्टेंट न्यूज, घड़ियाल्स टू रिटर्न टू ओरांग नेशनल पार्क। सबसे पहले बताओ ओरांग नेशनल पार्क है कहाँ, ये है असम में है ना, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। तो घड़ियाल्स के बारे में थोड़ी सी बात करें हम, अगर हम जाके तो घड़ियाल्स कहाँ पे थे, इनका जो मेन हैबिटेट है घड़ियाल्स की, वो है चंबल रिवर, कौन सी रिवर है, चंबल है ना, यानी चंबल घाटी जो है वहाँ पे इनकी मेन हैबिटेट है ठीक है। अच्छा, यूपी में कहाँ पे, यूपी में वाले बताओ भाई, यूपी में कहाँ पे, घाघरा रिवर, कौन सी रिवर है, घाघरा रिवर में ये है ना, घाघरा रिवर में घड़ियाल्स रहते हैं ठीक है। अच्छा, घड़ियाल्स जो है, अगर मान लो किसी नदी में या किसी भी कहीं भी घड़ियाल्स हैं, तो इसका मतलब वो क्लीन वाटर है ना, क्लीन वाटर है, प्राइमेटिव इंडिकेटर होते हैं क्लीन वाटर के ठीक है। घड़ियाल से यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, इसके जो प्राइमरी हैबिटेट है वो मैंने बता दिया, एक तो वही होगी चंबल ठीक है, एक है राम गंगा रिवर, राम गंगा कौन से नेशनल पार्क में, ये बता दो बस, राम गंगा रिवर, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब ये कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। यहाँ तक आया, समझ नहीं आया ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, इनकी जो रहते कहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा रहते हैं सैंड बैंक्स पे, सैंड बैंक जो है इनकी फेवरेट हैबिटेट है, सैंड बैंक यानी मिट्टी के टीले, रेती टीले टाइप जो होते हैं ठीक है। अच्छा, IUCN से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये ठीक है, IUCN समझते होंगे है ना, रेड डाटा बुक जो होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये थी इसके बारे में है ना, घड़ियाल्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से समझ लेंगे थोड़ा से, इसे घड़ियाल्स वाइप्ड आउट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो ये ओरांग नेशनल पार्क में आएंगे, थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ाया जाएगा ओरांग नेशनल पार्क का ठीक है। नॉर्थन बैंक रिवर इज स्ट्रेटेजिक टू काजीरंगा ओरंग, ये काजीरंगा और ये पास पास में मिले हुए हैं, टाइगर रिजर्व जाते हैं यहाँ पे ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें,
एक चीज़ ध्यान कर लो, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, रेमो एंड दहिंगपटकल नेशनल पार्क। आ जाते हैं कि नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की। ठीक है, कैरकस बहुत मिल रहा है। कजाकिस्तान इशू शायद कल भी मैंने डीप में बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। CSTO ध्यान रख लेना, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेडिटी ऑर्गेनाइजेशन, रसिया हेल्प कर रहा है इनकी, और बाकी इसके 6 मेंबर हैं CSTO में। ठीक है, तो कल की वीडियो में है, एक बार देख लेना अगर ना देखी हो तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है, और करते रहो भाई, करते रहो बस, है ना। अगली न्यूज है, एथोपिया ग्रैंड्स एमनेस्टी टू प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर। इसमें जो मेन रीजन है, मैं ये दिखा देता हूँ तुम्हें, एथोपिया ग्रैंड्स का मतलब एथोपिया है कहाँ पे, उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, एथोपिया कहाँ पे है ना, तो ये देखो, ये रहा एथोपिया, ये यहाँ पे देखो, यहाँ डिजबूती है, ये रेड सी है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ एरिटेरा है ना, यहाँ सोमालिया है इसके नीचे, यहाँ केन्या है, यहाँ साउथ सूडान और सूडान है। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये है टिग्रे रीजन। ठीक है, समझ आया नहीं आया? टिग्रे रीजन जहाँ पे इस समय इनका बैलेंस चल रहा है। ओके, एथोपिया से इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद इधर चलते हैं, सपोर्ट फॉर लिथुनिया। अच्छा, लिथुनिया की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो। लिथुनिया एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। इसने क्या किया था कि बोला भैया, चाइना के जो स्मार्टफोन है या जो भी उनकी टेक्निकल अप्लाइंसेस हैं, उन्हें आप इस्तेमाल मत करो। ठीक है, अच्छा, इसने ताइवान से रिलेशन बना लिए, रिलेशन मतलब वो वाले नहीं। ठीक है, तो ताइवान से, हांगकांग से इसने अपने रिलेशन बना के रखे, उसकी एम्बेसडर बुला लिया जो भी था, है ना। तो इसके बाद चाइना भड़क गया। ठीक है, तो चाइना भड़क गया, तो चाइना ने इसे लिथुनिया से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया था, है ना। जब चाइना ने वापस बुला लिया, तो अब US ट्रेड चीफ जो है, उन्होंने बोलिए कि हम आपके साथ हैं, यानी लिथुनिया वाले से बोलिए, भाई हिम्मत करिए, इंडिया तो कर ही नहीं पा रहा है ना, तो लिथुनिया से बोलिए कि हम आपके साथ हैं, आप काम करो। इंडिया ने हालांकि बहुत हिम्मत करी थी, बहुत सारे इसके ऐप बैन करे थे। ठीक है, इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ ग्रेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मालदीव्स इंक्स की डील्स विद चाइना। थोड़ा सा मालदीव्स का मैप अगर देखें, ये देखो, ये है, अच्छा, लिथुनिया का देख लो थोड़ा सा, लिथुनिया कहाँ पे है पहले, ये यहाँ पे लिथुनिया है। ठीक है, बेलारूस, पोलैंड और ये लातवा के आसपास है ना, रसिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ये लिथुनिया का मैप है ना। इसके बाद करते हैं मालदीव्स के बारे में बात चलते हैं। देखो, मालदीव्स जो है, इसे बोलेंगे, अगर मालदीव्स को बोला जाए, तो मालदीव्स है टॉल गेट ऑफ इंडियन ओशियन, है ना। ये इंडियन ओशियन में है, मालदीव्स जो है इंडियन ओशियन में टॉल गेट है। ठीक है, एक चीज़ देखो, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान से कोई बंदा आएगा, इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ एडन से आएगा, इंडियन ओशियन, कहाँ का रुकेगा, मालदीव। अच्छा, मालदीव से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी जो है, मालदीव बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। रिलेशन इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि सारी एक्ट्रेस एक्टर मालदीव जाते हैं। अब ज़्यादा मत सोचो क्यों जाते हैं, हम भी तो कुछ रिलेशन बनाएं। ठीक है, तो मालदीव्स के, अच्छा, मालदीव्स की अगर थोड़ी सी कहानी अगर डिस्कवर करें, तो मालदीव्स की ये कहानी है थोड़ी सी, मालदीव टोल गेट हो गया इंडियन ओशियन का। इसमें एक ऑपरेशन कैक्टस याद रखना मालदीव के लिए, ऑपरेशन कैक्टस, कौन सा ऑपरेशन हुआ था, कैक्टस, कब हुआ था ये, 1988 में। ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पे, प्रेसिडेंट मोमू थे, मामू है ना, प्रेसिडेंट मामू थे। ठीक है, उन्होंने बोला भैया हम पे अटैक हो रहा है, यहाँ बहुत सारे इलीगल ट्रूप्स हो रहे हैं, तो उनके हटाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। ठीक है, अच्छा, एक और ऑपरेशन हुआ था फिर इसी के मालदीव्स में, ऑपरेशन मिशन सागर। मिशन सागर कब हुआ था ये बताओ, मिशन सागर तो पता होगी तुम्हें, है ना। ये हुआ था कोविड में, कोविड में क्या हुआ था, जो भी ज़रूरी सामान था वो हमने इसके माध्यम से पहुंचाया था, कहाँ पे, मालदीव्स में। ठीक है, मिशन सागर ध्यान रखना, मिशन सागर मालदीव्स के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो मालदीव्स की ये न्यूज़ है। और इसमें क्या न्यूज़ है मालदीव्स की, मालदीव्स इंक्स की डील विद चाइना, यानी मालदीव्स ने चाइना से भी डील की कर ली। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बनती है कि इंडिया है मालदीव का सपोर्टर। अच्छा, मालदीव में एक और ट्रूप चलती है कि इंडिया आउट, इंडिया ने बहुत सारे मालदीव में कंस्ट्रक्शन करे हैं, इंडिया ने 2 हेलीकॉप्टर भी दिए मालदीव में। ठीक है, तो बाकी जो भी तरह तरह के कंस्ट्रक्शन इंडिया में चल रही है, इंडिया मालदीव्स की हेल्प करता रहता है ना, इंडिया मालदीव्स के लिए इंडियन ओशियन में इसीलिए भी ज़्यादा थोड़ा सा मायने रखता है। तो यहाँ पर पहुँच गए हमारे चाइना, है ना। चाइना क्या बोलते हैं, चाइना ने अब नई नई इससे इन्वेस्टमेंट करता है, नई नई की डील्स हो रही है, ये डील्स नई नई डील्स हो रही है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इशू बन चुका है। अच्छा, एक थोड़ा सा इंडिया आउट कैंपेन जो चल रही है, उसी टाइम में चाइना एम्बेसडर पहुँचे, फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे, तो ये भी थोड़ा सा इशू है ना, कि ये सही हो गया या फिर हो गया, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ में चलें, हैवी स्नो किल्स, ठीक है, जो भी है,
सूडान टॉक सेम एट सेल्वेजिंग पॉलिटिकल ट्रांजिशन, यानी सूडान में, सूडान कहाँ था अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे इथोपिया दिखाया था उसके जस्ट साइड में सूडान था, ना देखा हो तो दोबारा देख लो। ये था सूडान, ठीक है, ये था सूडान, यहाँ पे ये सूडान है, ठीक है, देख लिया, बहुत अच्छे। तो सूडान में क्या हुआ, सेल्वेजिंग पॉलिटिक्स ट्रांजिशन चल रहा है, सूडान के जो पीएम है अब्दुल्ला हमदक, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। किसने, अब्दुल्ला हमदक जो पीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है ना। अब रिजाइन के बाद वहाँ पे थोड़ी सी एक जैसे एग्जाम्पल ले लो जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ दिया, ठीक है, तो इस टाइप से वहाँ पे दिक्कत आ दी है ना, प्लंगिंग कंट्री फर्दर इनटू टर्मोइल हो गया है, पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया है वहाँ पे। तो सूडान के लिए न्यूज है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि चलो भैया हम हेल्प करेंगे, तुम करो कुछ तो करो, डेमोक्रेसी इलेक्शन जो उसमें जुलाई 2023 में होने हैं वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, कुछ नहीं है, है ना, इसे समझ लो थोड़ा सा। ये न्यूरॉन्स क्या होती है, न्यूरॉन्स नर्व सेल पढ़ा होगा 10th की साइंस में, नर्व सेल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन जो है कनेक्ट होता है मीन्स ऑफ जंक्शन विच सिंपासिस थ्रू द ट्रांसमिट सिग्नल, यानी न्यूरॉन्स जो है ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करती है। दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं कुछ केमिकल सिग्नल होते हैं। अच्छा, अगर डीप में जाना हो तो थोड़ा सा पढ़ लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपेसिस, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इन केमिकल सिंपेसिस देयर इज अबाउट डिस्टेंस या स्पेस ऑफ अबाउट 20 नैनोमीटर टू न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, एक जो है केमिकल सिग्नल को डिलीट करती है, दूसरा फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है। अच्छा, ये एक टाइप की मछली है, जेब्रा फिश है ना, ये रहा जेब्रा फिश, तो ये जेब्रा फिश में सबसे ज़्यादा मिली है। जेब्रा फिश क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मछली होती है, यानी उसके आर पार हम देख सकते हैं, आर पार मतलब थोड़ा सा अंदर देख सकते हैं, तो वहाँ से पता पड़ जाएगी न्यूरॉन किस टाइप से अपने सिग्नल डिस्कवर कर रहा है। तो ये न्यूज़ चल दिया है ना, TIFR इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ओमिक्रॉन एपिडेमिक आ गया है, आ गया कितना आ गया, बच गया पता नहीं, एक इसे समझ लो थोड़ा सा। देवास एल्बिट्रेशन क्या हुआ था, देवास एल्बिट्रेशन ने इन्होंने एक इसरो के साथ डील डन की थी, किसके साथ, इसरो के साथ, ठीक है, उन्होंने क्या बनाने थे, दो तीन सैटेलाइट बनाने थे, टू सैटेलाइट बनाने थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया एक सैटेलाइट हम ले लेंगे, हम अपने इंटरनेट के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन सर 2011 में क्या हुआ, ये डील हो गई कैंसिल, एंटरिक्स इसरो की एक कंपनी थी एंटरिक्स, उसके साथ ही डील्स हुई थी, ठीक है। अब ये जब डील कैंसिल हो गई तो उन्होंने जगह जगह केस किए, इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह में जहाँ भी वो केस कर सकते थे तो केस किए, तो वहाँ पे अब ये फैसला आया है कि इंडिया को जो है अपना जो भी इसका फाइन है विद देना पड़ेगा, किसको, देवास कंपनी जो है, ठीक है, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, हालांकि इसमें कैग वैग की रिपोर्ट भी आई थी कि आपने कुछ घपला किया इस वजह से डील हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ब्रेबरी की बात सामने नहीं आई है। इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ट्रिब्यूनल जो होती है उसमें केस किया था, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होती है, जस्टिस टाइप की होती है, उसका एक स्कोप होता है कि भाई आप किसी चीज़ में बस जजमेंट दे सकते हो, ठीक है। कोर्ट क्या होता है, वो हर एक लगभग लगभग हर एक केस में अपना जजमेंट दे देता है। आई बात यहाँ तक समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो है टाटा ने ले ली है, एयर इंडिया टाटा ने ले लिया, तो बात यह है कि भाई कौन देगा कौन नहीं देगा, तो ये आगे की न्यूज़ है, देखते हैं क्या होता है, इस पर नज़र बनाए रखेंगे, ठीक है। कैन ऑनलाइन बुलिंग ऑफ वुमेन, ये उनके लिए है जो अगर SI वगैरह की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसमें दो तीन एक्ट हैं, है ना, वो समझ लो। हमारे लिए ये है कि सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट और सेक्शन 60E ऑफ IT एक्ट दो आते हैं, जो सोशल मीडिया एक्ट होते हैं, ठीक है, है ना, और उसके लिए पुलिस वालों के लिए 153A, 295A, 3545D, 500, 599, ये IPC की धारा होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद करने की है, मानने की है, सुनने की है, सुनो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी रूल एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में लाए थे। इसमें क्या था कि कौन क्या करेगा, ठीक है, मान लो रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है ना। अच्छा, इसमें मेन चीज़ थी, जैसे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अगर कोई भी कंटेंट जो वायलेट करता हो प्राइवेसी पॉलिसी को या कल्चरल पॉलिसी को, है ना, तो वो उस कंटेंट को जो भी बंदा होगा जिसने वायरल किया होगा वो भी उस पर भी पनिशमेंट होगा और वो उसे तुरंत डिलीट करेगा। ये था इसके लिए, है ना। ओल्ड मैन अनरेस्ट कजाकिस्तान, कल वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, ये पुरानी न्यूज है, हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल कजाकिस्तान, कल वाली वीडियो देखो जाके, ठीक है। कजाकिस्तान रसिया कल और परसों दोनों में ही डिस्कस किया अच्छे से, दोनों अच्छे से वीडियो देखो कजाकिस्तान रसिया की, है ना। कजाकिस्तान का एक जो मेन इशू है वो हो क्यों रहा है, वो ये है कि उसके LPG के दाम वगैरह वहाँ पे प्राइस कैप हो गया, ठीक है, वहाँ पे हालांकि इसे कहा जाता है कि पेट्रोल है वहाँ पे, नेचुरल गैस है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। रसिया मेमोरी, जेंडर जस्टिस,
फर्स्ट वुमेन जज इन पाक सुप्रीम कोर्ट आ सकता है कहीं भी। पाक की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज हैं, ठीक है। नाम क्या है उनका? आयशा मलिक, आयशा मलिक, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है। और जीएसटी इवेजन, इवेजन क्या होता है? जीएसटी बचा लेना किसी भी प्रोसेस से, है ना। अगर कभी टैक्स इवेजन का टॉपिक आएगा उसमें इसे डील करेंगे आराम से, ठीक। इंडिया कल हारी गई थी, आपको पता ही होगा, कल हारी थी परसों जब भी हारी थी, है ना। और इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़, हाँ उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो करना है वो कर दो चैनल को, ठीक है, जरूर कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।